देखिए, जब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, तो उसके बाद हम लोग मरीज को फॉलोअप करते हैं और वो फॉलोअप अगले 5 से 10 साल बहुत रेगुलरली चलता है। उस दौरान हम लोग यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई हाथ में सूजन आ रही हो या कोई खांसी आ रही हो, उसको तुरंत इग्नोर ना करें और जल्दी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 20-25% पेशेंट्स के हाथ में, अपर आर्म में सूजन आती है, जिसको हम लोग लिम्फेडिमा कहते हैं। उसको रोकने के लिए हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई उस हाथ में ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, उस हाथ में इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई नाखून काटें तो ध्यान से काटें, कोई कीड़ा काट ले या कोई चोट लग जाए तो उसको इग्नोर ना करें, जल्दी एंटीबायोटिक ले लें और अपने डॉक्टर्स को दिखाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट है बहुत रेगुलर फॉलोअप। लोग अक्सर क्या होता है कि लोग 2-3 साल के बाद उस फॉलोअप को रिलैक्स हो जाते हैं, टाइम से नहीं आते, और उसमें कभी कभी धोखा हो जाता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर की रिकरेंस हमने 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भी देखी है।